और की क्या हालत है। खाना खा के घर से निकलते हैं ना तो वापस भूखे हो जाते हैं कि इतने सुधार है इस गांव में। गरीब को ये टेंशन नहीं कि अगर वो बीमार होता है तो उसका घर वाले को ये टेंशन नहीं कि मेरे पास पैसा है कि नहीं। तो हम तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस ही जीतेगी राजस्थान में, पूरे में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और इसी कड़ी में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। नमस्कार, मैं सिद्धिका मनोहर आपके साथ। आज हम मार्बल की सफेद नगरी कहे जाने वाली मकराना विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है, जहां हम फिर से जनता से जानेंगे वहां के रुझान, वोटर्स के दिल की बात, जनता के मन में क्या चल रहा है। तो चलिए आम जनता के बीच चलते हैं और चुनावी मुद्दों पर, चुनावी समीकरण पर, आम जनता की समस्याओं पर उनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ मकराना की आम जनता भी मौजूद है, यहाँ के पार्टी समर्थक, सभी तरह की जनता हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या चुनावी समीकरण बैठ रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? अब्दुल गयूम। अच्छा, बताइए यहाँ पे कांग्रेस कैसे बाजी मारने में पीछे रह गई? वो कांग्रेस अच्छी है, बाजी उसकी चल रही है, कांग्रेस की। उसकी कैसे चल रही है? अभी मौजूदा समय में तो विधायक बीजेपी से? नहीं नहीं, कांग्रेस से। क्या अब कांग्रेस ही आएगा? अब तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, कांग्रेस किस बेसिस पे आएगी? कांग्रेस विकास के बेसिस पे। आपका क्या नाम है? आप बताइए कि यहाँ पे जो विकास कार्य हुए उनसे कितने संतुष्ट हैं? पूरे संतुष्ट हैं हम तो। क्यों, कैसे, एक दो काम बताइए। हमारे तो पूरे काम हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद बेजान। क्या लगता है, क्या समीकरण बैठ रहे हैं यहाँ पे? कांग्रेस ही जीतेगी इस बार तो। इतने निश्चिंत कैसे है? निश्चिंत है, जब भी तो बोल रहा हूँ। क्या लग रहा है मकराना में, क्या चुनावी माहौल है? कांग्रेस का। कांग्रेस कैसे? विकास अच्छा है उनका। विकास, क्या क्या विकास कार्य करवाए? बहुत है, रोड का और का सब चीजों का। कोई एक मुद्दा जिस पर यहाँ काम होना बहुत जरूरी है? यहाँ की हमारी जो सड़कें, यहाँ पे जगह जगह खड्डे है और है, नाले साफ नहीं हो रहे है, वो हो रहे है। तो ये कांग्रेस, हम यही चाहते है की अब की बार सत्ता में आए तो ये हमारे ये रोड की है और ये जो नाली की समस्या है, ये पोल्यूशन है, ये जो कचरा होता है, ये इसका उठना जरूरी है। और कांग्रेस ये चाहते हैं कि हम बार बार हम कांग्रेस को जिताते हैं तो कांग्रेस हमारा काम करे, और हम कांग्रेस से खुश हैं, कांग्रेस से कार्यकाल में काम भी हुआ है। क्या नाम है आपका? बीजेपी, कांग्रेस के अलावा और भी पार्टियां हैं, उनको वोट करोगे या सिर्फ किसी को करोगे? विकास को करेंगे। विकास को करोगे, तो विकास के किन मुद्दों को देखते हुए किस विधायक को करोगे? विकास के दौर पे जाकिर हुसैन के साथ वो करेंगे। चलिए, हाँ हाँ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इरफान। क्या लगता है मकराना में किस तरफ रुझान है? रुझान तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का है, कैसे? और पूरी जनता है कांग्रेस की, एक तरफा है कांग्रेस। एक तरफा है, अच्छा। तो क्या विकास कार्य हुए, कितने संतुष्ट है आप? बहुत संतुष्ट है, विकास हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? राजू दास। अच्छा, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या क्या काम हुए हैं? क्या देखो, रोड की क्या हालत है, खाना खा के घर से निकलते हैं ना तो वापस भूखे हो जाते हैं कि इतने सुधार है इस गांव में। इतने हद तक सुधार हो गए? इतना सुधार समझे नहीं, मेरा उल्टा जवाब है। समझ गई, उल्टा जवाब है मेरा कि इतना तो विकास है, खाना खा के घर से निकलते हो और फिर भूखे हो जाते हो। जाते हो खड्डू के अंदर, इतने खड्डे हैं, खड्डे इतने परेशान कर रहे हैं आपको। हाँ, तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से विकास चाहिए हमको तो। फिर किस पार्टी को वोट करोगे? हम तो उस बीजेपी को करेंगे, सुनीता को। क्या नाम है आपका? राजू। यहीं से हो? क्या लगता है मकराना में क्या किस तरफ समीकरण बैठ रहे हो, किसको वोट करोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को? कांग्रेस को ही क्यों, कांग्रेस बीजेपी के अलावा और भी पार्टियां हैं? नहीं नहीं, हम है ही कांग्रेस, पायलट के आदमी हम। पायलट के आदमी हो? कांग्रेस ने यहाँ पर क्या विकास कार्य करवाया? विकास तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? आप बताइए मकराना में जो मौजूदा समय में विधायक है उनके विकास कार्य से संतुष्ट है आप? संतुष्ट है मैं। कैसे? अच्छा काम कर रहे हैं और जो सुनवाई कहते हैं हम वो करता है हमारी। स्कूल कॉलेजेस को लेकर क्या स्थिति है यहाँ पे? कॉलेज की वैसे घोषणा कर रखी है, जैसे सरकार आएगी तो कॉलेज भी होगा। कांग्रेस सरकार आने से सारी व्यवस्था होती है हमारे यहाँ। कांग्रेस की सरकार आ गई तो सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। क्या परेशानियाँ यहाँ पे, किन क्या लगती है आपको? कोई परेशानी नहीं है मैडम, कांग्रेस सरकार रिपीट होगी
और अशोक जी की बहुत ऊंची व्यवस्था है और अशोक जी ने जो 7 गारंटी दी है वो जनता के हित में है। और यहाँ पे जाकिर साहब रातल पर उतार देंगे वो 7 गारंटियाँ? बिल्कुल मैडम, पिछली बार भी जो गारंटी दी है उन्होंने वो धरातल पे दी। पिछली बार कौन सी थी, कौन सी उतरी धरातल पर जिनको देखते हो आप उन 7 गारंटियों के लिए बोल रहे हैं? आप भी जनता में ही है, आपको नहीं पता है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने बोला ना सारी गारंटियां उतर गई, क्योंकि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकास कार्य के मुद्दे अछूते रहते ही हैं। कॉलेज बनी है सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर, हॉस्पिटलों में हर जगह बढ़िया काम हुआ है अशोक गहलोत के राज में, और कांग्रेस ने बहुत इतना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है 5 साल के अंदर विधवा के लिए और बुजुर्गों के लिए। क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी गरीबों के लिए चिकित्सा व्यवस्था पर काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आज गरीब को ये टेंशन नहीं कि अगर वो बीमार होता है तो उसके घर वाले को ये टेंशन नहीं कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है, वो डायरेक्ट उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, उस वजह से हमको क्या चिरंजीवी का लाभ मिलता है, और ये सब राजस्थान गवर्नमेंट की देन है। मतलब सारी योजनाओं का लाभ मिला है आपको यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बराबर मिला। में भी 7 सीटें आएगी कांग्रेस से? 7 आएगी। 7 सीटें आएगी। कैसे आएगी 7 सीटें? निश्चिंत कैसे हैं? निश्चिंती से आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पब्लिक इतनी चाह रही है कांग्रेस को हॉस्पिटल की वजह से, चिरंजीवी की वजह से, इसलिए 7 सीटें कन्फर्म आएगी। सारी योजनाओं का लाभ मिला है यहाँ पे? मिला है, लाभ मिला है। एक दो योजना के बारे में? मेरे खुद का घर वाली बीमार हो गई थी, ब्लड हेमरेज हो गया था, तो बीपीएल में पूरा इलाज हुआ मेरा, पूरा एकदम एकदम पूरा। आप बताइए आपका क्या कहना है? बिल्कुल इलाज हुआ है पूरी सरकार, इसी तरह की कोई परेशानी नहीं है आप? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितने भी विकास कर रहे हो उनसे सबसे संतुष्ट है आप? संतुष्ट है। क्या नाम है? शिवराज। मकराना से ही हो? बताइए क्या स्थिति है यहाँ पे रोजगार को लेकर? रोजगार ठीक ही है, बढ़िया है। कांग्रेस से आई? कांग्रेस ही आएगी। कैसे? हर चीज की सुविधा है कांग्रेस। ऐसे एक दो सुविधाओं के बारे में बताइए। सुविधा देखो, अशोक गहलोत है ना, हर चीज की सुविधा दे रही है। अटूं जीते जाए ना जब कांग्रेस को अशोक गहलोत की सुविधा मिली। क्या नाम है आपका? इंदर नाम है। अब आप बताइए क्या जो भी यहाँ पे अभी तक जितने भी कामकाज हुए हैं उनसे संतुष्ट हैं आप? अभी है, करीब करीब संतुष्ट है। संतुष्ट है आप? किसको वोट करोगे? कांग्रेस को। क्यों? कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी और पार्टी है, निर्दलीय से भी खड़े होते हैं। उससे कोई बात नहीं है, जैसे अपना काम हो रहा है वो काम चाहिए हमारे लिए। जैसे लेबर कार्ड है, अभी मेरे भी कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, उसमें मेरे को लाभ मिला तो कांग्रेस सरकार से हुआ, उस वजह से हम तो उसी को चाहेंगे। क्या नाम है आपका? काड़ो जी। अच्छा, क्या लग रहा है मकराना में, किस तरफ रुझान लग रहे हैं, क्या चुनावी माहौल लग रहा है? कांग्रेस का लग रहा अभी तो। आप किसको वोट करोगे? कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस को? क्यों, और भी पार्टियां हैं? है, कांग्रेस को ही करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुतुबुद्दीन है। आप किसको वोट करोगे? हम तो कांग्रेसी हैं, जन्मते ही। जन्मते ही कट्टर कांग्रेसी हो? क्यों? क्यों का, कांग्रेस ही काम करती है उनके विकास कार्य? कोई बात नहीं है, बूझते नहीं है। इस मकराने में बीजेपी का आदमी आके बूझता नहीं है एमएलए तक ही। तो अब हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस ही जीतेगी राजस्थान में, पूरे में। तो कांग्रेस के अगर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से विधायक आते हैं तो उनसे आप किन कामों की उम्मीद करते हैं? हम तो कोई की नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं कि भाई ये हमारा काम हो जाना चाहिए, तो वो अपने आप ही हो जाता है, तो बिना कहे ही हो जाता है। कहते हैं जब भी होता है वो तो। तो फिर लेकिन करोगे तो कांग्रेस को ही वोट? बिल्कुल कांग्रेस को। अजी मोहम्मद अली। तो बताइए मकराना में किस तरह के समीकरण लग रहे हैं आपको? हमको तो कांग्रेस का समीकरण लग रहा है। कांग्रेस के? क्यों, कांग्रेस बीजेपी के अलावा और भी पार्टी है? कांग्रेस वाले को हम कहते हैं हमारा वो काम करना है, वो काम करवाते। अभी हमारे घर वाले की कोई बीमारी थी, वो उसमें 10 लाख का वो का बीमा हुआ है ना, वो बनवाया, इसलिए हम तो कांग्रेस। क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से हो? मैं जोधपुर से हूँ बेसिकली, लेकिन मैं तो चुनावी माहौल देख रहा था कि क्या कैसे चल रहा है। तो अभी यहाँ पे कैसे? मैं तो बिजनेस पर्पज है। लग रहा है आपको जिस तरह से मकराना का, आप अगर आपने माहौल देखा हो चुनावी, जिस हिसाब से देख रहे हैं विकास तो इतना बोल नहीं रहा है। नहीं बोल रहा है, लेकिन हाँ अब देखे सरकार पे डिपेंड करता है क्या कैसे होता है, किसकी सरकार क्या है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद। यहीं से हो? मकराना से? बोरावड़। क्या करते हो? मार्बल पत्थर का काम। क्या लग रहा है आपको इस बार किस पार्टी का विधायक जीतेगा?
यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी लहर चल रही है और जाकिर हुसैन जी के साथ बहुत अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। बहुत अच्छे मतों से जी बिल्कुल। अच्छा तो उन्होंने कुछ काम विकास कार्य करवाया है यहाँ पे? उन्होंने 5 साल सरकार में रहते हुए नॉन इलेक्टेड पर्सन रहते हुए भी इतना विकास करवाए जो मतलब कि जनता की जैसी जरूरत थी उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने काम करवाया। क्या लग रहा है आपको, क्या चुनावी माहौल है, किस तरफ रुझान लग रहे हैं? बढ़िया है सभी। किसको वोट करोगे? किसको करेंगे? कांग्रेस को करेंगे हम। क्यों कांग्रेस को, क्यों बीजेपी को क्यों नहीं? क्यों बीजेपी में क्या है, कांग्रेस में क्या है? सब कुछ है कांग्रेस। सब कुछ क्या बताओ, क्या है तुम्हें इसमें? मैं आपसे पूछूं ना सवाल, आप बताओ। आपने बोला कांग्रेस में सब कुछ है। हाँ तो सब कुछ है, उन्हीं को देंगे हम तो, हमारा सपोर्ट उन्हीं को है। तो आज हमने मकराना विधानसभा क्षेत्र में जनता का चुनावी मूड जाना, चुनावी मुद्दों पर चर्चा की, चुनावी समीकरण पर चर्चा की, आमजन से भी बातचीत की, लेकिन आने वाले समय में किस पार्टी का विधायक यहाँ पर बाजी मारेगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि जनता सबसे बड़ी ताकत है और जनता सिर्फ विकास कार्यों को देखते हुए वोट करती है। फिलहाल द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में मकराना विधानसभा क्षेत्र से इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई विधानसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए नमस्कार।